हाय स्टूडेंट, पाठशाला साइंस कोचिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजीत कुमार आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले जो मैंने पिछले क्लास में आप सभी को पढ़ाया था उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन हैं, जिसे आप लोग सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। चलते हैं अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि माइक्रोस्पोर का निर्माण होना, यानी माइक्रोस्पोर के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने इसका डिफिनेशन लिख रखा है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, ये माइक्रोस्पोर आखिर है क्या? तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा परागकण, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन, यानी परागकण। तो परागकण के निर्माण होने से पहले, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जब कोई एक शिशु पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है, नहीं बेबी जिसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन वही बेबी जब माँ के गर्भ में होता है तो उसकी शुरुआती अवस्था आखिर क्या होती होगी? जैसे जायगोट बना, जायगोट विकसित होने लगता है, जब एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनते हैं, फिर फीटस जब बाहर आते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं परागकण, जो परागकण का जो निर्माण होता है, तो परागकण का निर्माण होता है उसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है। जैसे हमने बात किया कि मानव में जो माँ के गर्भ में पल रहा होता है एम्ब्रियो विकसित होकर के फीटस बनता है, यानी एक विकसित जो होता है बच्चे बनते हैं और वो बाद में मतलब पैदा होकर बाहर आते हैं। तो उसी तरह से जो पराग कोष में जब परागकण का निर्माण होता है, जो पहली अवस्था होती है उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर बोलते हैं, यानी लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु। और यही लघु बीजाणु के ऊपर जब एक आवरण का निर्माण हो जाता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं कि यह जो माइक्रोस्पोर था अभी किस में कन्वर्ट हो गया, ये बदल गया, अब ये बन गया है पॉलन ग्रेन, यानी पराग कण बन गए। तो पराग कण के यानी लघु बीजाणु के निर्माण होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आखिर यह पराग कण बनते कैसे हैं? हम लोगों ने पीछे बात किया था फ्लावर में, हम लोग जो स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें बताए थे कि मेल पार्ट जो था वो पुमंग था या पुंकेसर था, और उसका फीमेल पार्ट जो था वह स्त्री केसर था। तो पुंकेसर के ऊपर मैंने पिक्चर में दिखाया था पुंकेसर, ये जो पुंकेसर हैं ये इस तरह से हमने जो संरचना दिखाया था इसके ऊपर में क्या था? कुछ उभड़ा हुआ सा संरचना था, जिसे हम लोगों ने बोला था यह क्या है? इसका परागकोष है। क्या है इसका? परागकोष, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एंथर बोलते हैं। अब क्या होता है, यही परागकोष को अगर हम और भी सामने से देखें, जब हमें देखने को मौका मिलेगा, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा, लगेगा कि यह दो भागों में, दो पाली में बटा हुआ है। कुछ इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर होते हैं। ये हो गया इसके, ये परागकोष हो गया। जब इसी को हम लोग काट के देखें, मतलब यहां पर देखें, तो ये क्या हो गया? एक इधर है तो एक पाली यह हुआ और एक पाली यह हुआ। यानी परागकोष जो होते हैं कितने पाली में बटे होते हैं? तो दो पाली में बटे होते हैं। कितने पाली में? दो पाली में बटे होते हैं। जब इसे हम लोग ऐसे काट के अगर देखेंगे, जब इसे हम लोग काट करके देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक पाली में दो दो कोष्ठ हमें देखने को मिलते हैं। वो कैसे होगा? वो कुछ इस प्रकार से हमें ऐसी हमें संरचनाएं देखने को मिलेंगे। तो एक कोष्ठ यहां, एक कोष्ठ यहां, एक कोष्ठ इधर और एक कोष्ठ इधर होते हैं। इसी कोष्ठ में होते हैं बीजाणुधानी। क्या होते हैं? बीजाणुधानी होते हैं, जहां पर क्या होता है, बीजाणु का निर्माण होता है, यानी बीजाणु स्पोर जो है, ये स्पोर जो लिखा हुआ है, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीजाणु बोलते हैं। तो इसी में यही क्या होता है, बीजाणुधानी होता है। एक, दो, तीन और चार, प्रत्येक पाली में कितने हो गए? दो दो क्या होते हैं, तो कोष्ठ उपस्थित होते हैं, जिसके अंदर बीजाणुधानी होता है। इसी बीजाणुधानी के अंदर एक सेल, विशेष प्रकार का सेल होता है, जिस सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल। यानी क्या हो गया, लघु बीजाणु मातृ कोशिका बोले, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं पराग मातृ कोशिका, यानी जिसके द्वारा पराग कण का निर्माण होता हो, यानी पराग को जन्म देने वाली जो माता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो पराग मातृ कोशिका बोलेंगे, जिस सेल से निर्माण होता है। तो ये जो होता है, यानी पॉलन मदर सेल जो है, वो क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर को जन्म देती है।
और वही जब माइक्रोस्पोर के ऊपर में क्या होता है, एक आवरण का निर्माण हो जाता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो है ये माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होते हैं वो हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड कहने का मतलब क्या होता है, द्विगुणित कोशिका होता है। जैसे अगर हमारे शरीर में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होता है मियोसिस सेल और मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होता है, हैप्लॉयड सेल का निर्माण होता है, और दूसरा जो होता है डिप्लॉयड सेल होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उस कोशिका के अंदर अगर हम लोग क्या करेंगे, क्रोमोसोम को अगर देखेंगे तो कितने होते हैं, मानव के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो 46 जो होता है ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, डिप्लॉयड सेल के नाम से जानते हैं, यानी इसे बोलते हैं द्विगुणित कोशिका। और कुछ सेल ऐसे होते हैं कि उसमें क्या होता है, 23 क्रोमोसोम होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, हैप्लॉयड बोलते हैं, यानी अर्धगुणित। यानी क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो हमारे बॉडी यानी सोमेटिक सेल में है उसकी अपेक्षा क्या है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, इसलिए हम लोग इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड बोलते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होते हैं उसमें क्या होता है, द्विगुणित कोशिका होता है। यानी उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या जितनी होती है, और जब क्या होता है स्पोर का निर्माण होता है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि माइक्रोस्पोर में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, हैप्लॉयड होगी या डिप्लॉयड होगी, तो उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो हैप्लॉयड होती है। हैप्लॉयड को हम लोग एन से सूचित करते हैं, हैप्लॉयड को हम लोग किससे सूचित करेंगे, तो छोटा एन से सूचित करते हैं, और डिप्लॉयड को क्या करते हैं हम लोग, 2n से भी सूचित करते हैं। तो कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि 2n इज इक्वल टू कितना है, 46, इसका मतलब है कि क्रोमोसोम की संख्या कितना बताया जा रहा है, तो 46 है, यानी ये डिप्लॉयड है। इसे हम लोग दो भाग में आसानी से बांट सकते हैं, तो क्या हो गया, यह डिप्लॉयड हो गया। अगर कहीं पर लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 23 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि कौन से सेल की बात किया जा रहा है, तो हैप्लॉयड सेल की बात की जा रही है। यहां पर हम लोग देखते हैं माइक्रोस्पोर का निर्माण, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार हैप्लॉयड स्पोर का निर्माण होता है। यानी जो मदर सेल में जितने क्रोमोसोम की संख्या होती है वो क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और आधी होकर के एक मदर सेल से कितने का निर्माण होता है, तो चार स्पोर का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। अब जरा सी सोचने वाली बात है कि सर आपने बताया कि 46, यहां पे अगर हम लोग बात करें हैं अपने ह्यूमन में कि क्रोमोसोम की संख्या कितना है, 46 है, तो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, यानी जब मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होगी तो यह टूट करके कितना बनेगा, 23 बनेगा ना। तो टोटल यहां पर जो सेल है उस सेल की संख्या कितनी हुई, 2, और यहां पे बोला जा रहा है कितने हो रहे हैं, 4 हैप्लॉयड सेल का निर्माण हो रहा है। तो आखिर ये कैसे हुआ, अभी मैं बताता हूं, इसकी जानकारी देता हूं कैसे हुआ। ये जो 46 है, हम लोग के भी शरीर में ऐसा होता है, ये जो 46 जो क्रोमोसोम जो है जिस सेल के अंदर, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मियोसिस सेल डिवीजन होंगे। कैसे सेल डिवीजन होंगे, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेल होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 हैप्लॉयड सेल का निर्माण करता है। तो यहां पर ये जो सेल देख रहे हैं जो बना है, ये क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया, यानी 2 सेल का निर्माण हो गया। अब क्या होता है कि जो यहां पर अभी नया जो 2 सेल बने हैं, अब इस सेल में क्या होगा, तो मियोसिस सेल डिवीजन की क्रियाएं क्या होगी, फिर से शुरुआत होगी, मियोसिस सेकंड, यानी क्या होता है, समसूत्री विभाजन की फिर से क्रियाएं शुरुआत होती है। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि ये जैसा है ऐसा ही क्या होगा, 2 कॉपी तैयार हो जाता है। क्या होता है यहां पे, फिर से 2 कॉपी इस तरह से क्या होता है, बनता चला जाता है। अब एक सेल यहां पर कितना था, 46 वाला था, क्रोमोसोम वाला था, और एक के विभाजित होने से यहां पर कितने होंगे, 4 हो गए। इसी तरह से और भी इसमें अगर क्या होगा कि मियोसिस यहां पे क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया अगर और भी हुई तो और भी क्या होगा, यहां पर सेल की संख्या बढ़ता चला जाएगा। तो एक जो यहां पर क्या होता है, मदर सेल, जो एक मदर सेल है, एक मदर सेल में सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होगी, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका का निर्माण होगा जो हैप्लॉयड होगा। अब उस 2 कोशिका में क्या होगा, बार-बार माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होगी, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है, और उससे क्या होते हैं कि
मतलब हैप्लोइड सेल की संख्या क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी जवाब होंगे कि माइक्रोस्पोर के निर्माण होने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर क्या होता है, तो जब क्या होते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, नहीं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब क्या होता है म्यूसिस सेल डिवीजन की क्रिया होती है, तो म्यूसिस सेल डिवीजन की क्रिया के दौरान जो सेल का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। और जब माइक्रोस्पोर के ऊपर जब आवरण बन जाते हैं, कवच बन जाता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लॉयड होते हैं या फिर डिप्लॉयड होते हैं, तो क्या जवाब आएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो कि माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं या डिप्लॉयड होते हैं, तो माइक्रोस्पोर जो होता है वो क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, क्योंकि यह किससे बना है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूसिस सेल डिवीजन की क्रिया के दौरान बना है, इसलिए यह क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। वैसे आप लोग को 11th में पढ़ना रहा होगा सेल डिवीजन, सेल पढ़ना रहा होगा, और सेल में ही क्या होगा, वहां पे माइटोसिस, म्यूसिस और ए माइटोसिस, यानी सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन जो होता है वो तीन तरीकों से होता है, नहीं म्यूसिस, माइटोसिस और ए माइटोसिस के दौरान होता है। हम लोग के भी शरीर में क्या होता है, दो तरीके से सेल डिवीजन होते हैं, एक म्यूसिस होता है, दूसरा क्या होता है, माइटोसिस होता है। म्यूसिस की क्रिया के दौरान हमारे शरीर में जो सेल होते हैं, सेल का क्या होता है, ग्रोथ होता रहता है। जब हम एक छोटे से हम लोग जब बच्चे रहते हैं, तो उस समय में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितने सेल होंगे, आज हमने इतना बड़ा हो रखा है, क्या उतना ही सेल होगा, नहीं, हमारे शरीर में क्या होगा, सेल की संख्या ऑलरेडी बढ़ी है। तो बढ़ी कैसे बढ़ी, तो माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया हुआ, यानी समसूत्री विभाजन की क्रिया हुई, जिसके कारण हम लोग के शरीर में सेल का ग्रोथ हुआ और हमारा शरीर का भी क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। लेकिन जब हम लोग क्या होते हैं, जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो हमारे सेक्स ऑर्गन का विकास होना क्या होता है, शुरू हो जाता है, और तब जाके हमारे शरीर के अंदर में क्या होते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन की क्रियाएं शुरू होती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया का क्या होता है, शुरुआत होता है, जिसके कारण हम लोग के भी शरीर में हैप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड यानी अर्धगुणित जो कोशिका होता है, यानी गैमेट, अगर मेल है तो मेल में स्पर्म का निर्माण होता है, और फीमेल अगर है तो उसमें क्या होता है, अंडाणु यानी ओवा या ओवम का निर्माण होना शुरू हो जाता है। किसके दौरान, तो मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया के दौरान क्या होता है, शुरुआत होता है। अभी आप लोग इसको उतारें और हम आगे बता रहे हैं। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा कि माइक्रोस्पोर के निर्माण होने की क्रिया को ही या प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लघु बीजाणु और परागकण, जैसा कि इसकी चर्चा अभी हमने किया ही था कि जब क्या होता है माइक्रोस्पोर के ऊपर क्या होता है आवरण का निर्माण हो जाता है, तब उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोलन ग्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह माइक्रोस्पोर क्या होता है, तो मेल गैमिटोफाइट की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है, यानी मेल गैमिट जो बनते हैं, जो शरीर के अंदर यहाँ पे हम लोग फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो फ्लावर में जो मेल गैमिट किसे हम लोग बोलते हैं, तो परागकण को बोलते हैं। तो परागकण का जो निर्माण होता है, तो परागकण क्या है, गैमिट है, तो कौन सा गैमिट है, मेल गैमिट। तो मेल गैमिटोफाइट यानी क्या होता है, मेल गैमिट का जो निर्माण होता है उसकी सबसे पहली जो सेल होते हैं, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर के चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागकण के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, ये परागकण के आकार की अगर हम लोग बात करें, तो मतलब अलग अलग फ्लावर में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रायः जो देखा जाता है वह परागकण कैसे होते हैं, तो अंडाकार देखते हैं, और लगभग औसतन जो जितने भी पौधे हैं उसके परागकण अगर हैं, तो लगभग जो होता है वो क्या होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर के ही बीच के होते हैं। लेकिन उसकी अगर हम लोग आकार की बात करते हैं, उसकी रंग की बात करते हैं, उसके अंदर अगर विन्यास की बात करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, अलग अलग पौधों के पुष्पों में पाए जाने वाले परागकण में क्या होते हैं, ये अलग अलग हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगर ये है परागकण की जो हम लोग बात कर रहे थे कि माइक्रोस्पोर के ऊपर क्या होता है, जब आवरण बनते हैं, तो वो आवरण कितने होते हैं, दो प्रकार के इसे आवरण बनते हैं, एक होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सिन, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटीन के नाम से जानते हैं। तो यह बाह्यचोल और क्या होता है, अंतस्यचोल। तो परागकण का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यचोल के नाम से जानते हैं। इस आवरण का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन नामक क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थों से
निर्माण होता है। यह रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं तो इसे उच्च ताप, अम्ल एवं क्षारों वगैरह से क्या करता है, इसे रक्षा करने का काम करता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि परागण की जब क्रियाएं होती है, हम आगे इस पर अगर थोड़ा सा बात कर लेंगे चर्चा, चूंकि आप लोग 10th में ही पढ़े हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। परागण का मतलब होता है कि किसी एक पुष्प से परागकण का निकलना और किसी दूसरे पुष्प पर जाना, दूसरे पुष्प के कहाँ तो वर्तिकाग्र पे, वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जो जाएगा तो जाने के बीच कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि गर्मी का ज्यादा धूप हो, टेम्परेचर अधिक हो, तो वो परागकण बर्बाद हो सकता है, या फिर किसी चीज से टकरा जाए, या फिर बहुत सारा बात है। जैसे हमने बात किया उच्च ताप, अम्ल एवं क्षारों से क्या करता है, इसे रक्षा करने का काम करता है। कौन? तो एस्पोरोपोलिनिन नाम क्या होता है, इसके अंदर रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उसी तरह से क्या होता है, इंटेन होता है, ये क्या होता है, तो दूसरी परत होता है जो सेलुलोज और पैकेटिन से बना हुआ होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह जो अंतस्य चोल होता है वो किससे बना होता है, तो पैक्टोसेलुलोज से बना हुआ होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लघु बीजाणु क्या होता है, परागकण की, परागकण जो बनते हैं उससे पहला जो स्टेप होता है उसे ही हम लोग क्या होते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। कह सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट की क्या होती है, या प्रथम कोशिका होती है। तो परागकण क्या होते हैं, तो परागकण क्या होता है, पुष्प का मेल गैमिट होता है। अब क्या होता है, जब मेल गैमिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो परागकण भी क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे या डिप्लॉयड होंगे, तो हैप्लॉयड होगा, क्योंकि गैमिट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉयड ही होगा। अब क्या होता है, हम लोगों ने देखा ये क्या होता है, प्रथम कोशिका। इसका आकार क्या होता है, प्राय अंडाकार देखने को मिलता है, जो 25 से 50 माइक्रोमीटर का हो सकता है। इसके रंग की बात करेंगे, आकार की बात करेंगे, बनावट की बात करेंगे, तो ये अलग अलग पौधों में क्या होता है, भिन्न भिन्न देखने को मिल सकता है। और इसमें क्या होता है, यह परागकण का माइक्रोस्पोर के ऊपर कितने होते हैं, दो भित्ति का निर्माण होता है, एक को हम लोग बोलते हैं बाह्य चोल और दूसरा को बोलते हैं अंतस्य चोल। चोल का मतलब क्या होता है, आवरण। इसमें हम लोगों ने देखा कि बाह्य चोल में क्या होता है, एस्पोरोपोलिनिन नामक क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो परागकण को क्या करता है, तो रक्षा करने का काम करता है। इसे आप लोग उतार लें। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि परागण की क्रिया से पूर्व परागकण के केंद्र में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये दो असमान कोशिका क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि यह परागकण है, ठीक है, तो परागकण के केंद्र में ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक होता है, तो केंद्रक में क्या होता है, समसूत्र यानी माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और इसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या होते हैं, दो सेल का निर्माण होता है। मतलब दो असमान यानी जो दोनों एक जैसा मिलता जुलता ना हो, दो सेल का निर्माण क्या होता है, दो इसमें न्यूक्लियस का निर्माण होता है, यानी दो केंद्रक का निर्माण होता है, जो बाद में क्या होते हैं, दो असमान कोशिका बन जाता है। तो इसमें से एक जो होता है, एक क्या होता है, भीजी वेजिटेटिव सेल, और दूसरा जो होता है जीसी यानी क्या होता है, जेनरेटिव सेल होते हैं। यानी वेजिटेटिव सेल कहने का मतलब क्या हो गया, यह कायिक कोशिका होता है, और जेनरेटिव सेल कहने का मतलब क्या होता है, यह जनन कोशिका होता है। तो जेनरेटिव सेल का काम क्या होता है और वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है। जेनरेटिव सेल क्या करते हैं, जब परागण की क्रिया होती है, अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा कि जब परागण की क्रिया होती है, मान लेते हैं कि यह जो है फीमेल पार्ट है, किसका, तो फ्लावर का, यानी क्या होता है, स्त्री केसर हो गया, या स्त्री केसर हो गया, और स्त्री केसर के नीचे क्या होता है, यहाँ पे अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, यह इसका पुंकेसर है, पुंकेसर में क्या होता है, परागकण परागकोष होते हैं, जिसमें परागकण का निर्माण होता है। तो ये जो परागकण होते हैं उड़ करके क्या होता है, यानी यहां से क्या होता है, परागण की क्रिया होती है और वर्तिकाग्र पे चले आते हैं। तो फिर आगे का क्या होता है, यहाँ पे आया और फिर आगे की क्रिया जो होता है, प्रोसेस होता है, किस क्रिया के लिए, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया को करने के लिए आगे का प्रोसेस अपनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अभी हम लोग को इतना ही समझना है कि परागकण के अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक जेनरेटिव सेल होता है, दूसरा वेजिटेटिव सेल होता है। जेनरेटिव सेल का काम होता है किसका निर्माण करना, तो जेनरेटिव सेल जब जेनरेटिव सेल के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, तो उसके फलस्वरूप आगे चल के किसका निर्माण होता है, तो सीड का निर्माण होता है, यानी बीज का निर्माण होता है। और वेजिटेटिव सेल क्या करते हैं, वेजिटेटिव सेल के साथ क्या होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को करने का काम करता है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि जेनरेटिव सेल जब जेनरेटिव सेल के फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा तो किसका विकास होगा, सीड का विकास होगा। तो वेजिटेटिव सेल मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया को करके क्या करेगा,
ये बात आती है। तो वेजिटेटिव सेल जब वेजिटेटिव सेल के साथ क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, तो यहां पर जो सीड का निर्माण होता है, जो बीजांड के अंदर जो सीड बनते हैं यानी जो बीज बनते हैं, उस बीज को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, तो वेजिटेटिव सेल के द्वारा जो तैयार सेल होते हैं, यानी वेजिटेटिव सेल के साथ जब क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा तो इंडोस्पर्म का निर्माण होगा। इंडोस्पर्म किसको कहते हैं, तो भ्रूणपोष होता है जो क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करेगा। इम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, और भ्रूण को पोषण जो देगा, पोषण का मतलब होता है भोजन, तो भ्रूण को जो पोषण देने का काम करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, यानी इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि जेनेटिव सेल के द्वारा किसका विकास होता है, तो सीड का विकास होता है, और वेजिटेटिव सेल के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। अब यहीं से देखिए एक क्वेश्चन का जवाब मिलता है, वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया से आप क्या समझते हैं, अगर डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया ना हो तो क्या हो सकता है, तो इसका जवाब यही होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, यहां पर देख लेते हैं अभी हम लोग। तो यहां पर ये परागकण है, और परागकण के अंदर कितने प्रकार के सेल हैं, दो प्रकार के सेल है, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा क्या है, जेनरेटिव सेल है। इसी तरह से क्या होगा, यहां पर जो बीजांड है, इस बीजांड में भी क्या होंगे, दो प्रकार के सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होगा, दूसरा क्या होगा, जेनरेटिव सेल होगा, यानी इसमें एक एग सेल होता है, यहां पर जो जेनरेटिव सेल होते हैं, यानी इसमें भी इसी तरह से दो सेल होंगे, एक जेनरेटिव सेल होगा, दूसरा क्या होता है, तो वेजिटेटिव सेल होते हैं। यहां पर दोनों जो होता है एक दूसरे, यानी वेजिटेटिव वेजिटेटिव के साथ, और जेनरेटिव सेल जो होता है जेनरेटिव सेल के साथ क्या करता है, फ्यूजन की क्रिया को करता है, और मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया को करता है। तो कितना बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार जेनरेटिव सेल, एक बार जेनरेटिव सेल के साथ फ्यूजन की क्रिया किया, और दूसरा बार क्या किया, वेजिटेटिव सेल के साथ क्या करता है, फ्यूजन की क्रिया को करता है। तो टोटल दो बार यहां पर चूंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी दोहरा निषेचन के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो जवाब यही होगा कि पुष्पों में क्या होता है, जनन कोशिका के साथ क्या करता है, निषेचन की क्रिया को करके बीज का निर्माण करने का काम करता है, जबकि उसी बीज को पोषण प्रदान करने के लिए वेजिटेटिव सेल यानी काई कोशिका के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। चूंकि यहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया दो बार होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सिंपल सा जवाब था, आप लोग को समझ में हमको लगता है कि आ गया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं क्या होती है, और वेजिटेटिव सेल के साथ जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है तो उसे क्या बनता है, तो इंडोस्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। और इंडोस्पर्म का अगर निर्माण ना हो, यानी डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप अगर इंडोस्पर्म का निर्माण ना हो तो फिर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि हम सभी मानव हैं, और मानव में क्या होता है, तो किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हमने पहला क्लास में बताया होगा कि कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल, यानी क्या होता है कि मां के शरीर के, यानी एक मादा जो होती है उसके शरीर के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, और उसी के अंदर इम्ब्रियो का विकास होता है, और जब पूर्ण रूप में विकास हो जाता है तो वो फिर बच्चे क्या होते हैं, शरीर से बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो उसे भी क्या होता है, भोजन की आवश्यकताएं पड़ती है, और वह भोजन क्या होती है, मां उसे देने का काम करती है। लेकिन एक बीज, एक पौधे में अगर हम लोग बात करते हैं, जब बीज का निर्माण होता है, जैसे मक्का की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मक्के का फसल हम लोग काटते हैं, उससे बीज निकल जाता है, और हम लोग चाहें तो अगले साल उसे लगाते हैं, फिर उससे नए पौधे आ जाते हैं, क्या वो उसमें जान नहीं था, वो जीव नहीं है, उसे भी भोजन की आवश्यकताएं पड़ती है, आखिर उसको भोजन कौन दिया, क्या आपने भोजन कभी दिया उसे, नहीं दिया, तो नहीं दिया तो उसे पालने का काम कौन किया। तो हम लोग एक कहावत सुने हैं कि अजगर करे ना चाकरी, ऐसा सुने हम लोग, अजगर करे ना चाकरी, और क्या, पंछी करे ना काम, दास मलुखा कह गए सबके दाता राम। ऊपर वाले सबको क्या करते हैं, देने का काम करते हैं। हम सब इंसान हैं, तो हमें क्या, जब हम लोग पैदा हुए उसी समय से क्या हुआ, हम लोग को माँ बाप ने पालना पोसना शुरू कर दिया। लेकिन एक पौधे की अगर हम लोग बात किए, एक बीज की बात किए, तो उसे पालने पोसने वाला कोई नहीं था, तो उसे पालने पोसने का काम कौन कर रहा था, ऊपर वाले ने कर रहा था, उसकी व्यवस्था पहले से ही कर रखा गया था। तो हम लोग देखें तो क्या हुआ, उसके अंदर ऑलरेडी, बीज के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी उसका इंडोस्पर्म भरा होता है। एक उदाहरण के साथ हम बात करना चाहेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं नारियल, सभी लोगों ने यूज किया होगा,
तो नारियल में क्या होता है, हम लोग उसे डुलाते हैं तो क्या रहता है, उसके अंदर पानी होता है। अगर पानी नहीं होता है तो हम ये समझते हैं कि यह नारियल क्या है, बर्बाद होगा, यह सरा हुआ हो सकता है। लेकिन जब पानी होता है तो हम कहते हैं कि यह सरा हुआ नहीं है। ऐसा क्यों? जो पानी जो हम लोग डुलाते हैं वो पानी रियल में उसका क्या होता है, नारियल का इंडो एस्पर्म होता है, यानी भ्रूणपोष होता है। जब तक वह पानी, जब तक भ्रूणपोष उसके अंदर रहेगा तब तक क्या होता है, नारियल का जो बीज होता है वह जीवित रहता है और उसे अगर हम लोग लगाएं तो उसे फिर नए पौधे उग सकते हैं। लेकिन वही जब पानी धीरे धीरे क्या होता है कि जो स्टॉक में उस इम्ब्रियो के लिए जो भोजन होता है वो जब लंबे समय तक हम छोड़ देते हैं तो धीरे 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 वो क्या करता है, अपने इंडोस्पर्म को समाप्त कर देता है, यानी यूज कर लेता है। जब समाप्त हो जाता है इंडोस्पर्म तो क्या होता है, उस इम्ब्रियो की मौत हो जाती है, तब उसे लगाने पर क्या होता है, नए पौधे नहीं उग सकते हैं। तो नारियल में क्या होता है, जो पानी होता है वो क्या होता है, उसका इंडोस्पर्म होता है। उसी तरह से हम लोग सरसों की बात करते हैं तो सरसों का हम लोग क्या करते हैं, उसका तेल निकालते हैं, तो तेल जो होता है उस सरसों का क्या होता है, इंडोस्पर्म होता है। मक्के में हम लोग बात करते हैं, अगर मक्के को अगर हम लोग सही से देखें तो उसके बीच में क्या होता है, कुछ धब्बा सा हमें क्या होता है, नजर आते रहता है। मान लेते हैं अगर ये मक्का है तो इस मक्के में क्या होता है, हमें बीच में कुछ हल्का सा व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा, तो वो क्या होता है, उसका वहां पे मतलब साइड से जो होता है ये इम्ब्रियो हो गया और साइड से जो होता है हल्का पानी तरल पदार्थ जैसा दिखता है वो क्या होता है, उसका इंडोस्पर्म होता है, जो उसे क्या करता है, भोजन देने का काम करता रहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि परागण की क्रिया से पूर्व परागकण के केंद्र में क्या होता है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो असमान कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें से क्या होता है, एक बड़ा होता है और दूसरा क्या होता है, छोटा होता है। नहीं, बड़ा कोशिका जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो छोटा वाला सेल होता है उसे क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं। आगे बात है कि ये वीसी यानी वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ उपस्थित रहते हैं, लेकिन जिसमें क्या होता है, जेनरेटिव सेल जो होता है वो तैरता रहता है, यानी आराम से उसमें तैर रहा है, उसे क्या हो रहा है, अपना पोषण को प्राप्त करते रहता है। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, पुनः विभाजित नहीं हो सकता है, लेकिन जेनरेटिव सेल क्या होता है, बार बार क्या होता है, अपना विभाजन करके संख्याओं को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो इसी तरह से देखते हैं कि जब परागकण में अगर एक वेजिटेटिव सेल अगर एक जेनरेटिव सेल में अगर मिलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें टोटल सेल की संख्या कितनी है, दो हुई, तो हम कहेंगे कि वैसा परागकण को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विकोशिकीय परागकण कहेंगे। अगर किसी परागकण में हमें एक वेजिटेटिव सेल और दो जेनरेटिव सेल देखने को मिलते हैं तो टोटल संख्या वहां पर सेल की संख्या तीन होती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह परागकण जो है वो कैसा है, तो त्रिकोशिकीय परागकण है। मैं आपको जानकारी के लिए बात बता दूं कि यहां पर क्या होता है, पोलन ग्रेन यानी परागकण में क्या होते हैं कि प्राकरण में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में क्या होता है, खाद्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका उपयोग क्या होता है, लोग आप मतलब उसमें पोषक पदार्थ में अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीन और कुछ विटामिन उसमें उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण लोग प्राकरण का उपयोग अपने शरीर में प्रोटीन की पूर्ति के लिए भी करते हैं, जो क्या होता है, सिरप के रूप में या फिर टेबलेट के रूप में हमारे यहाँ क्या होता है, मार्केट में मिलता है। कुछ पौधों के परागकण जो होते हैं वो हमारे लिए एलर्जी दायक भी होते हैं, जिससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, खासतौर पर श्वसन संबंधित रोग क्या होता है, उत्पन्न होते हैं, जो कुछ खर पतवार जो होता है उसके परागकण से। जैसा कि मैं बात करता हूँ, एक बात करते हैं हम लोग गाजर घास, जिसे कांग्रेस घास के भी नाम से जाना जाता है, तो गाजर घास जो होता है उसमें से क्या होता है, उजले उजले फूल फड़ते रहते हैं, जो हमारे यहाँ क्या होता है, सड़कों के किनारे आसानी से या किसी नदी तालाब के किनारे क्या होता है, आसानी से हमें देखने को मिल सकता है। तो वह उसका जो परागकण उड़ता है वो क्या होता है, श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न करने में उत्पन्न कर सकता है। तो परागकण क्या होता है, हमारे लिए मतलब पोषण का भी काम कर रहा है, जिसे प्रोटीन और कुछ विटामिन मिलते रहते हैं, और कुछ पौधों के परागकण जो होता है क्या होता है, हमारे शरीर में एलर्जी भी उत्पन्न करने का काम करता है, इसे आप लोग नोट करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, जिसे आप लोग पढ़कर कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। सो अगले दिन हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए इतना ही।